हाँ लापरवाही है, काय लेबर रूम में बच्चा बच्चा भी पैदा नीचे ही होता है, बेड है दुइएगा दुगो पर दुगो परसेंट है नीचे बच्चा बच्चा पैदा होता है। एक बेड पे कितने लोग होने चाहिए थे? एक आदमी। कितना यहाँ लोग बैठे हुए हैं? क्योंकि पेशेंट का इतना लोड है, कैसे हो पाएगा बताइए? 5 बेड है, 10 पेशेंट है, हम लोग क्या करेंगे? नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है ये तो हम सभी जानते हैं। आए दिन कहीं ना कहीं से सदर अस्पताल हो या फिर स्वास्थ्य केंद्र, कहीं ना कहीं से खबर निकल कर आ ही जाती है कि वहाँ की व्यवस्था कैसी है। इस बीच खबर मुंगेर से निकल कर आई है जहाँ एक बेड पर दो प्रसूता रहने को मजबूर है, लेकिन जब डॉक्टरों से पूछा जाता है तो डॉक्टर ज़्यादा मरीजों की संख्या होने का हवाला दे देते हैं। आप सुनिए कि इन प्रसूताओं का क्या कुछ कहना है। एक बेड पे कितने लोग होने चाहिए थे? एक आदमी। एक आदमी। कितना यहाँ लोग बैठे हुए हैं? एक बेड पर 6 आदमी होले बच्चा मिले। दो पेशेंट दिया है। क्या दिक्कत होती है? सोने में दिक्कत होती है बच्चे को लेकर। परेशानी रहना में दिक्कत होता है। क्या परसेंट एक बेड पर कितने परसेंट? 2%। और ओकरा बगल में रात भी रहता है ओकरा साथ में, जे एक सेंट पर 6 आदमी हो जाता। तो ये बताइए इस चीज़ को लेके डॉक्टर को बोलिए हे भरे सब तो कोई व्यवस्था नहीं है। एक के पर सब एक बेड पर 2% है, उसके साथ जो आदमी है वो भी इसी पर है। एक बेड रहना चाहिए यहाँ पर, 1% 2% पर एक बेड। शिकायत सुबह तो वही हो रहा, कुछ नहीं आया हुआ सुबह, तो वही काम नहीं हो रहा सुबह से, झगड़ा करते करते अभी तक कोई उपाय कुछ नहीं आया हुआ। नहीं होती है दिक्कत, नहीं होता है यहाँ रहते हैं तो दिक्कत नहीं होता है। ऐसे में ऐसे परसेंट रहना है, ऐसे परसेंट रहता है, ऐसे ऐसे में हाँ लापरवाही है। काय लेबर रूम में बच्चा बच्चा भी पैदा नीचे ही होता है, बेड है दुइएगा दुगो पर दुगो परसेंट है नीचे बच्चा बच्चा पैदा होता है। तो 2% रहना चाहिए हाँ, लेकिन लेकिन यहाँ 1% पर 2% पर एक भी बेड है, एक ही बेड है दोनों देखे है ना, दोनों कैसे है? ऐसे रहना चाहिए। तो आपने महिला प्रसूताओं को सुना जिन्होंने बताया कि एक ही बेड पर दो महिलाएं अपने बच्चे के साथ रह रही हैं, जिन्हें काफ़ी परेशानी हो रही है। आपको बता दें कि मुंगेर सदर अस्पताल के प्रसव केंद्र में एक बेड पर दो दो प्रसूता महिला अपने नवजातों के साथ रहने को विवश है। ऐसी स्थिति है कि आधा आधा बेड बांटकर मरीज अपना इलाज करवा रहे हैं। भर्ती महिला मरीजों को बहुत परेशानी हो रही है। अब आप सुनिए कि वहाँ के डॉक्टर का इस विषय में क्या कुछ कहना है। चाहिए एक होना चाहिए। कितना पेशेंट अभी है? कितना तो क्या कीजिएगा, भीड़ के कारण तो रहता है, नहीं रहेगा जगह तो क्या कीजिएगा, एडजस्ट कीजिएगा ना। तो लापरवाही है ना, लापरवाही है तो DSCS जाने करना। DSCS जानेंगे कैसे? नहीं जानेंगे, पदाधिकारी जो है तो जानबे नहीं करेंगे, उनको पता तो नहीं है ना कितना बेड देना है। हाँ तो आप ये बात DSCS जाके पूछिए, CS सर से पूछिए, ठीक है? क्योंकि पेशेंट का इतना लोड है, कैसे हो पाएगा बताइए? 5 बेड है, 10 पेशेंट है, हम लोग क्या करेंगे? भगा भी तो नहीं सकते हैं ना सबको, तो ज़रूरी तो नहीं है कि एक पेशेंट, ऐसे तो एक पेशेंट पे एक ही बेड होना चाहिए, लेकिन बेड की कमी के कारण और डॉक्टर की भी कमी है अभी, ठीक है? तो आपने डॉक्टर को सुना जिन्होंने बताया कि ज़्यादा मरीजों की संख्या है, इस वजह से एक बेड पर दो महिलाओं को रखा जा रहा है, जो उनकी ये विवशता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े करता है कि क्या एक बेड पर दो महिलाओं को रखना सही है, जबकि वो अपने बच्चे के साथ है, एक महिलाएं अपने बच्चे के साथ एक ही बेड पर रह रही हैं, ये कितना सही है? आप इस विषय में क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, साथ ही बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबर सबसे पहले अपने पास पाने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर ज़रूर मैसेज करें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।